यह कहानी एक ब्राह्मण की है जिसका नाम रामदयाल था। वह विदर्भ नाम के एक गांव में रहता था। उसका व्यवहार अच्छा होने की वजह से लोग उसे अपने घर में बुलाते और दान दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक सेठ जी का निमंत्रण मिला। रामदयाल सेठ जी के निमंत्रण में गए और जब वे वापस लौट रहे थे तब सेठ ने उन्हें दान में एक बकरी दी। इसके बाद वह बकरी को अपने कंधे में लटकाकर वहां से चले गए। जब वह ब्राह्मण बकरी को अपने कंधे पर रखकर घर लौट रहे थे तब तीन ठग लोगों की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया जिससे कि वे उस ब्राह्मण से बकरी को ले सकें। वे तीनों ठग दूर दूर जाकर खड़े हो गए। रामदयाल अपने कंधे में बकरी को रखकर आगे बढ़ रहा था कि तभी पहला ठग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे में ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? ब्राह्मण के प्रश्न पर उस ठग ने जवाब दिया, महाराज मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पहले बार ऐसा देखा है कि कोई ब्राह्मण एक गधे को अपने कंधे में उठाकर ले जा रहा है। यह कहकर वह ठग फिर से हंसने लगा। रामदयाल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में दूसरा ठग आया। दूसरे ठग ने ब्राह्मण से कहा, क्या बात है महाराज, इस गधे को चोट लगी है क्या जो आप इसे अपने कंधे पर ले जा रहे हैं? यह सुनकर रामदयाल को गुस्सा आ गया और उसने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, यह कोई गधा नहीं है, यह एक बकरी है और मुझे यह दान में मिली है, इसलिए मैं इसे अपने कंधे पर रखकर ले जा रहा हूँ। यह सुनकर ठग ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन शायद आपको किसी ने ठग लिया है, यह बकरी नहीं गधा है, गधा। यह सुनकर रामदयाल सोचने लगा कि पहले वाला व्यक्ति भी इसे गधा कह रहा था, यह भी इसे गधा कह रहा है, आखिर लोगों को हुआ क्या है? यह सोचते सोचते वह आगे चला गया। चलते चलते उसे रास्ते में तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक छोड़ कर आऊँगा। ब्राह्मण के लिए कार्य करना पुण्य का काम है, इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और उससे बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक भले इंसान लगते हो। फिर उसने वह बकरी ठग को सौंप दी। वे दोनों एक साथ चलने लगे। कुछ दूरी तक चलने के बाद ठग ने रामदयाल से पूछा, वैसे आप इस गधे को कहाँ ले जा रहे हैं? यह सुनकर रामदयाल ने उसे कहा, यह गधा नहीं बकरी है। माफ करना ब्राह्मण देव, किसी ने आपके साथ छल किया है, यह कोई बकरी नहीं बल्कि गधा है, ठग ने उस ब्राह्मण से कहा। यह सुनते ही रामदयाल ठग से बोला, मैं तुम्हें यह गधा दान में देता हूँ, तुम इसे ले जाओ। यह सुनते ही ठग अंदर ही अंदर खुश हो गया क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। इसके बाद वे ठग बकरी को ले गया और उसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी झूठ को बार बार दोहराने से लोग उसे सच मानने लगते हैं, इसीलिए हमें हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फैसला लेना चाहिए। द म्यूजिकल डोंकी। यह कहानी एक गधे की है जिसका मालिक एक धोबी था। धोबी बहुत कंजूस था, इस वजह से वह गधे को ठीक से खाना नहीं देता था। खाना ना मिलने की वजह से वह गधा कमजोर पड़ गया। कई बार धोबी उसे दूसरी जगह भेज देता ताकि वह जाकर घास खा सके।
एक दिन गधा खाने की तलाश में अपने घर से दूर जंगल की ओर चला गया। जंगल में चलते चलते उसके पास एक गीदड़ आया और उससे बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? यह सुनकर गधा उदास हो गया और गीदड़ से बोला, मेरे जीवन में बहुत दुख है मेरे दोस्त। मेरा मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता और इसी वजह से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। वह मुझे यूं ही छोड़ देता है और देखो, आज भी उसने मुझे घास चरने के लिए छोड़ दिया। मैं चलते चलते यहाँ आ गया। यह सुनकर गीदड़ को भी उस गधे पर दया आ गई। तब उसने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेट भरने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ से कुछ ही दूर एक बाग है, उस बाग में स्वादिष्ट सब्जियाँ और फल हैं। वह सब्जी और फल खाकर हम वापस से तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं तो वही जाकर अपना पेट भरता हूँ। उस बाग में जाने का एक छोटा सा रास्ता है, चलो आओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ। गधे को गीदड़ की बात अच्छी लगी और उसे भूख भी लगी थी, इस वजह से वह गीदड़ के साथ बाग की ओर चला गया। चलते हुए दोनों बाग के नज़दीक पहुंच गए। फिर गीदड़ ने उससे कहा, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है मेरे दोस्त। आज तुम ऐसा स्वादिष्ट और लजीज फल सब्जियां खाओगे जिसे तुमने कभी खाया नहीं होगा। चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे गधा भी अंदर चला गया। बाग के अंदर जाते ही गधे ने देखा कि वहाँ ढेर सारी सब्जियाँ और फल हैं। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया और फिर उसके बाद वहाँ से चले गए। अब वह गधा खुश था, इसलिए गधे ने निर्णय किया कि वह घर वापस नहीं जाएगा और अपने दोस्त के साथ यहीं रहेगा। वे दोनों रोज उस बाग में जाकर अपना पेट भरते थे। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था और गधा तंदुरुस्त हो चुका था। एक दिन दोनों बाग में गए, वहां गधे ने जमकर फल और सब्जियां खाई। उसका पेट इतना भर गया था कि वह अपना होश खो बैठा। तभी उसने अपने दोस्त गीदड़ से कहा, दोस्त क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाऊंगा। यह सुनते ही गीदड़ घबरा गया, क्योंकि गधे के गाना गाने से उसकी आवाज बाग के मालिक तक पहुंच जाती। ऐसे में बाग का मालिक दोनों को पकड़ने वहां आ जाता। इसी वजह से गीदड़ ने गधे को शांत कराने की कोशिश की और कहा, अरे मेरे दोस्त, गधे थोड़ी ना अच्छा गाना गाते हैं। यह सुनकर गधे ने कहा, गधे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वे मधुर स्वर में करके गाना गाते हैं। गीदड़ समझ चुका था कि गधे को चुप नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसने वहां से निकलने के बारे में सोचा। गीदड़ बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे गायक हो। तुम्हारा गाना सुनकर इस बाग का मालिक तुम्हें फूल की माला पहना देगा, लेकिन मैं भी तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना गाना शुरू करना, तब तक मैं फूलों की माला लेकर आता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ वहां से चला गया और फिर गधे ने अपना गाना गाना चालू किया। उसकी आवाज सुनकर बाग का मालिक दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया। जैसे ही उसने गधे को देखा तो वह समझ गया कि उसके बाग का खाना वह गधा चुरा कर खाया करता था। ऐसे में उसने उस गधे की खूब पिटाई की और वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई की बातें कर रहा है और कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस कहानी में भी गीदड़ ने गधे को अच्छे से समझाया, लेकिन गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी
और वह पकड़ा गया।